हेलो बच्चों, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके, एंड एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। गेटिंग माय पॉइंट? तो हेडिंग डाल लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटो, उसके बाद हम लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हार्मोनल कंट्रोल। सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट स्टिमुलेशन वी गॉट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, विच इज न्यूरो सिक्रेटरी इन नेचर, ओके, एंड इट सिक्रेट अ हॉर्मोन नोन एज GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन। तो जरा सा डायग्रामेटिक अगर इसको प्रेजेंट करें तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, पिट्यूटरी। इट इज द, यूँ तो ट्राइलोब स्ट्रक्चर है लेकिन हम यहाँ बाईलोब ही बनाएंगे, बीच में मिडिल लोब हो जाएगा। एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड इट इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ओके बच्चों। सो फ्रॉम दी एंड दिस इज दिस पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन इज हाइपोथैलेमस, दिस पोर्शन इसको हम थोड़ा सा शेडेड कर देते हैं, तो दिस इज हाइपो, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाते डायग्राम और भी बेटर बनता। तो फ्रॉम दिस हाइपोथैलेमस रिलीजेस अ हार्मोन नोन एज GnRH, एच बोले तो हार्मोन, ओके, GnRH लिख दिखाई दे रहा ना, GnRH दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इट विल रिलीज दिस हार्मोन टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये एंटीरियर लोब में हार्मोन आ गया आपका, ओके, दिस हार्मोन इज received by the anterior lobe of pituitary, okay, and the cells of anterior lobe of pituitary stimulates and they secrete two hormones which are, बिल्कुल दो हार्मोन कौन कौन से रिलीज कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग LH एंड FSH, LH दैट इज luteinizing हार्मोन एंड FSH दैट इज follicle stimulating हार्मोन। गेटिंग ना? तो पिट्यूटरी से फिर दो हार्मोन रिलीज होंगे, व्हाट आर दोज टू हार्मोन्स, दीज आर दी ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की सेल्स जो स्टिम्युलेट हो गई और इन्होंने दो हार्मोन्स रिलीज किए, FSH एंड सेकंड इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ओके। दिस LH एक्ट्स ऑन लेडिंग सेल्स, तो इस LH से हम लेडिंग सेल्स तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि LH कहां पर एक्ट करेगा, लेडिंग सेल्स पर। तो भाई लेडिंग सेल्स कहां है हमारी, ये रहे, दीज आर आर दिखाई दे रही है, यस दीज आर लेडिंग सेल्स और इन पर रिसेप्टर्स होंगे, ये रिसेप्टर्स विल रिसीव दी LH, ओके। सो LH स्टिम्युलेट्स द लेडिंग सेल्स एंड दीज लेडिंग सेल्स, यहां लेबलिंग कर देते हैं, लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल्स एंड दीज लेडिंग सेल्स विल सिक्रीट, विल रिलीज, कुछ भी कह सकते हैं, अ हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। व्हाट? टेस्टो स्टीरोन, ओके, जिसकी हमें तलाश थी, टेस्टोस्टेरोन, ओके, एंड टेस्टोस्टेरोन ये मान लेते हैं, दिस इज टेस्टोस्टेरोन रिलीज्ड बाय लेडिंग सेल्स, दिस टेस्टोस्टेरोन अलोंग विद FSH, समझ में आ रही है ना बात, ये टेस्टोस्टेरोन FSH के साथ मिलकर के किसको स्टिम्युलेट करने वाला है भाई, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को और सर्टोली सेल्स को, ओके। तो यहाँ हम जरा सा स्टिमुलेट करा देते हैं,
ये एफ एस एच भी ऊपर से बुला लेते हैं, और ये कहाँ गए, सर्टोली सेल्स को, और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, एंड देयर विल बी स्टार्टिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ कौन कौन सी सेल्स होंगी आपकी, सर्टोली सेल। ओके, एफ एस एच किसको कर रहा है, एफ एस एच यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। तो ये हो गई हमारी सर्टोली सेल्स, कोई कन्फ्यूज़ नहीं करने का, और साथ में हो गई हमारी कौन सी सेल्स, अगर कन्फ्यूज़न नहीं है तो हम दूर करना है तो हमें कुछ कलर डिफरेंट लेना पड़ेगा। ये हमारी बीच बीच में हो गई आपकी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। तो सर्टोली सेल्स पर स्टिम्युलेट एक्ट करेगा, और इस सर्टोली सेल्स के साथ मिलकर के क्या प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, स्टिम्युलेट्स दी स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, सो जीएनआरएच सबसे पहले, अगर सर्टोली सेल्स वैसे तो स्पर्मेटोजेनेसिस एफएसएस के साथ मिलकर के वो कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो तो उसके लिए सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, दे विल सेक्रीट अ हार्मोन नोन एज, दे विल रिलीज अ हार्मोन नोन एज इनहिबिन। ओके, इट इज़ अ प्रोटीन हार्मोन। ओके, एंड हार्मोन नेम फॉर इट्स रोल दैट इज इनहिबिटिंग एफ एस एच सिक्रीशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, इफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीडिंग टू स्लोली then less inhibin is released, okay, which permits more FSH secretion. Getting my point? समझ में आ गई ना बात, कि अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बहुत स्लो जा रही है तो इनहिबिन कम सिक्रीट होगा या रिलीज होगा, और कम इनहिबिन रिलीज होने का मतलब क्या है कि FSH ज़्यादा सिक्रीट हो, और जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो, यानी कि जिस तरीके से होनी चाहिए उसी तरीके से हो। गेटिंग? इसके अलावा सर्टोली सेल्स पर एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन एक्ट करेंगे, और सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि एबीपी का सिक्रीशन होगा इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, गेटिंग? और वो क्या करेगा, एपीपी बाइंड्स टू टेस्टोस्टेरोन एंड कीप्स इट्स कंसंट्रेशन हाई। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी कैसी होगी, एफिशिएंटली होती चली जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो एबीपी प्लस एफएसएच दोनों मिलकर के और इनहिबिन का लेस सिक्रीशन, तीनों मिलकर के क्या करेंगे कि जो प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको मेंटेन करके रखेंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओके, और जो टेस्टोस्टेरोन है दैट इज द स्टीरॉयड हार्मोन। ओके, एंड इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। गेटिंग? स्टीरॉयड हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल से बनेगा, और प्रिंसिपल एंड्रोजन है, एंड लिपिड सॉल्युबल है, और इट डिफ्यूज आउट ऑफ लेडिंग सेल्स इन टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। गेटिंग? और ब्लड के थ्रू होता हुआ और भी जगह पर जाएगा, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, और वहाँ पर भी अपनी एक्टिविटी शो करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके बच्चों, तो आई होप कि ये हार्मोनल कंट्रोल इज क्लियर इन योर माइंड। GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस, इट इज़ रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ड्यू टू एक्शन ऑफ GnRH, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट्स टू हॉर्मोन्स FSH एंड LH, FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन स्टिम्युलेट्स द लेडिंग सेल्स एंड ड्यू टू विच लेडिंग सेल्स सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, अ प्राइमरी मेल एंड्रोजन। FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड द सिक्रीशन ऑफ सर्टोली सेल्स स्टिम्युलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स।
So these pink cells are spermatogonia. Okay, bachcho. And these blue cells are Sertoli cells. Is that clear? Okay. Now I hope ki this is clear in your mind. So next time I am going to explain the structure of sperm. Till then, bye bye.